हेलो फ्रेंड्स, वेदम कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए फिर से लेके आया हूँ हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस की क्लास, जिसमें आज हम पढ़ेंगे रासायनिक फॉर्मूले। मतलब आपके केमिकल, कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी, कुछ आपके ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिन्हें आप कैसे डिनोट करते हो, कैसे लिखा जाता है वो होगा, केमिकल कंपोजिशंस होंगे, और कुछ तो ऐसे होंगे जो आप घरेलू लाइफ में यूज़ भी करते हो, अपने आपके आसपास यूज़ भी होते रहते हैं, यू डोंट नो कि उनका भी केमिकल फॉर्मूला है, और कुछ लोग जानते भी होंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो उससे रिलेटेड हम आज डिस्कस करने वाले हैं, और ये 50 जो मैं आपके सामने फॉर्मूले यूज़ करूँगा, ये आपके अपकमिंग रेलवे एग्जाम, SSC एग्जाम सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी व्यापम ले लो आप, अदर स्टेट्स के भी ले लो, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से पढ़िएगा, नोट कर लो, अच्छे से रट लो इनको, ये जरूर आएंगे, और यही क्वेश्चंस है, 50 ऐसे फॉर्मूले जो पूछे ही जाते हैं। तो चलिए हम अपने पहले फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक से स्टार्ट होगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम कैसे लिखते हैं? ओ मत लिखना, O2 लिखा जाता है उसे, ठीक है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को आप क्या लिखते हो? N2। हाइड्रोजन को क्या लिखते हो? H2। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO। सल्फर डाइऑक्साइड को SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को NO2। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को, जिसे आप नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हो, इसे आप लिखते हो NO, मतलब नो, आप तो याद रख लो नो, तो आपको याद ही हो जाएगा। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को, जिसे आप कहते हो नाइट्रस ऑक्साइड, क्या देखो दोनों में फर्क है, ऊपर हमने पढ़ा था नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जिसे हम नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, इसे NO कहते हैं। नीचे आपने पढ़ा है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसे आप नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हो, इसका फॉर्मूला है N2O। क्लोरीन को आप Cl2 लिखते हो, मतलब आप समझ ही गए एलिमेंट जितने हैं उनमें आप 2 लगा देते हो। हाइड्रोजन क्लोराइड को HCl, अमोनिया NH3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप लिखते हो HCl। सल्फ्यूरिक एसिड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज्यादा पूछा, H2SO4 क्या कहा जाता है? H2SO4, एस क्या है? सल्फर है, ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन के केमिकल कंपोजिशन से मिलकर ये बना है। नाइट्रोजन, अगर मैं अगला पढ़ूं तो नाइट्रिक एसिड है जो HNO3, मतलब नाइट्रोजन तो उसमें होगा, ऑक्सीजन भी है, और आपका क्या है? हाइड्रोजन भी। फास्फोरिक एसिड H3PO4 क्या है आपका? H3PO4। इसके बाद अगर मैं देखूं आपका कार्बोनिक एसिड को, अगर आप देखोगे तो इसमें है H2CO3, यह है कार्बोनिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, NaOH कहते हो आप इसे, केमिकल कंपोजिशन जो इसका फॉर्मूला होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH क्या कहलाएगा आपका? KOH, के स्टैंड फॉर पोटेशियम, बाकी ओ ऑक्सीजन है और एच हाइड्रोजन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या कहलाता है? Ca, और आप ब्रैकेट में लिखते हो OH2। अब मैं अगर कुछ बात करूं सॉल्ट के, तो देखेंगे हम सोडियम क्लोराइड NaCl, जैसे आप कहते हो, क्या कहते हो? NaCl। इससे पहले जो हमने पढ़े वो एसिड्स थे। कार्बोनेट सोडियम, अगर हम देखें, जिसे आप सोडियम कार्बोनेट कहते हो, ठीक है, इसमें कार्बोनेट सोडियम लिखा, सोडियम कार्बोनेट, तो इसे लिखते हैं हम Na2CO3, क्या लिखते हैं? Na2CO3। कैल्शियम कार्बोनेट को आप लिखते हो CaCO3। कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला CaSO4। अमोनियम सल्फेट NH4, फिर 2 है आपका SO4। नाइट्रेट पोटेशियम, तो ये है आपका KNO3, क्या है? KNO3। आम रसायनों के व्यवसायिक एवं रासायनिक नाम, अब आम रसायनों मतलब इसका मतलब मैंगो से नहीं है, यहां पर नॉर्मली यूज होने वाले ऐसे रस केमिकल आपके जो जनरली आप यूज करते हो उनके नाम। चाक, कैल्शियम कार्बोनेट भी इसे कहा जाता है, चौक है ये, चौक जो यूज करते हैं वो किससे मिलके बनी होती है, यहां चाक लिखा हुआ है, चौक है इसका मतलब, कैल्शियम कार्बोनेट से, इसका फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट इसे आप कहते हो, और इसका है CaCO3। अब मैं अगर बात करूं अंगूर का, अंगूर का जूस, मतलब यहां लिखा है अंगूर का, अंगूर जो अंगूर का सत, मतलब ग्लूकोज होता है उसमें, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। क्वेश्चन कैसे आ सकता है मैं बता रहा हूं, जैसे पूछे जा रहे हैं आजकल, जैसे इसका फॉर्मूला क्या था? C6H12O6। तो आपसे बोला जा सकता है ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है उसमें कितने हाइड्रोजन
पाए जाते हैं। हाइड्रोजन अगर देखा जाए, हाइड्रोजन की नंबर्स कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, तो उसका आंसर होगा आपका 12, ऑक्सीजन 6 और कार्बन 6। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो बी केयरफुल, आपको टाइप में बताता ही जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अल्कोहल, अगर हम देखें एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, तो यह है C2H5OH, क्या है आपका C2H5OH। कास्टिक पोटाश को अगर मैं बोलूं, जैसे आप कहते हो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है KOH। खाने का सोडा क्या कहलाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्यादातर पूछा जाता है ऐसे एग्जाम्स में। खाने का सोडा है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। चूना कैल्शियम ऑक्साइड, CaO कहते हो आप। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट, मैंने कहा था बहुत से ऐसी चीजें आएंगी जो आप यूज करते रहते हो। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O। कितने वाटर के, कितने आप देखोगे अगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने वाटर होता है यहाँ पर, तो आप देखोगे 2H2O, कितने H2O होते हैं, 2H2O। अगला अगर देखूं TNT, जिसे आप बोलते हो ट्राइनाइट्रोटोलीन, TNT, ये बम बनाने में भी काम आता है आपके। अगर इसमें देखा जाए इसका फॉर्मूला C6H2CH3Na2 और फिर बाद में क्या है 3, आप अच्छे से देख सकते हैं, नोट करते रहिए, और लिंक वीडियो के नीचे भी हम इसे प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आप आसानी से पूरा का पूरा नोट भी कर सको, तो आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा। धोने का सोडा, जिसे आप सोडियम कार्बोनेट कहते हो, देखो खाने के सोडे को आपने क्या कहा था, सोडियम बाइकार्बोनेट, और धोने के सोडे को सोडियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला है Na2CO3, क्या है Na2CO3। नीला तोता कॉपर सल्फेट जिसे आप कहते हो CuSO4, क्या है इसका फॉर्मूला CuSO4। Cu का मतलब कॉपर है, S का मतलब सल्फेट, O का मतलब ऑक्सीजन है, मैं बताता जा रहा हूं। नौसादर, अब ये नौसादर क्या है भाई, तो ये अमोनियम क्लोराइड जो आपका होता है ना, इसे नौसादर कहते हैं, NH4Cl इसका नाम है, क्या नाम है, रासायनिक सूत्र NH4Cl। फिट करी, ये तो आप लोगों ने सबने सुना होगा, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, कितना लंबा नाम है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, फॉर्मूला भी देखो तो कितना बड़ा है, K2SO4 Al2 फिर SO4 फिर आपका 3 है, देन 24H2O, कितने H2O होते हैं, कितने वाटर हैं यहाँ पर, अगर वाटर की देखा जाए कितना वाटर कंटेन करते हैं, 24 H2O हैं यहाँ पर। अब ये देखा जाए फॉर्मूले में कौन कौन से आपके कंटेन देखा जाए, फिटकरी में क्या क्या होता है, पोटेशियम सल्फर ऑक्सीजन एल्यूमिनियम और आपका हाइड्रोजन, ठीक है। बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसे कहा जाता है, तो भाई इसका रासायनिक सूत्र क्या है, CaOH2, क्या है इसका CaOH2। मंड जिसे आप स्टार्च कहते हो, स्टार्च का फॉर्मूला क्या है, C6H10O5, C6H10O5। ये आलू में, स्टार्च आलू में काफी मात्रा में पाया जाता है, जो हमारा आलू होता है जिसे आप पोटैटो कहते हो, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। लॉफिंग गैस क्या होती है, नाइट्रस ऑक्साइड, हंसने में मदद करती है, बहुत ज्यादा ऑटोमेटिक हंसी आने लगती है। अगर आप लोगों ने मैं आपको बोलूं तो मूवीज अगर देखी हो तो कई मूवीज में इसका यूज दिखाया गया है ना, उसमें भी दिखाया गया है। तो नाइट्रस ऑक्साइड है, ये कौन सी गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जिसे आप कहते हैं लॉफिंग गैस। लाल दवा, ये जो नाम है ये किसका है, पोटेशियम पर मैग्नेट का, KMnO4। लाल सिंदूर जो हम यूज करते हैं उसका फॉर्मूला, उसको क्या कहते हैं हम, लेड पर ऑक्साइड, Pb3O4, लेड से मिलके बना होता है वो। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाती है, CO2। शोरा जो आपका होता है पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं, KNO3 इसका फॉर्मूला है। सिरका एसिडिक एसिड का तनु घोल होता है, ये CH3COOH इसका फॉर्मूला है। सुहागा जिसे आप कहते हो बोरेक्स, इसका फॉर्मूला Na2B4O7 10H2O होता है। स्प्रिट मैथिल अल्कोहल इसे कहा जाता है, CH3OH इसका फॉर्मूला है। स्लेट इसका फॉर्मूला है सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 2SiO2 2H2O इसको पढ़ते हैं हम, ये काफी बड़ा फॉर्मूला है तो अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हरा कशिस, ये काफी पूछा जाता है, जिसे आप कहते हो फेरिक सल्फेट, इसका फॉर्मूला है Fe2SO4 3। तो ये जो 50 फॉर्मूले मैंने आपसे शेयर करे, केमिकल कंपोजिशन शेयर करे, उनके नेम केमिकल कौन कौन से होते हैं ये शेयर करे,
ये अच्छे से पढ़ लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं और ये इतने इंपॉर्टेंट है, अगर इन्हें पढ़ लिया तो काफी कुछ कवर हो जाएगा। मतलब केमिकल कंपोजिशन तो आपके कवर हो ही गए, ये पार्ट आपने तो कवर कर ही लिया। तो आप जरूर कमेंट करिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मैं ये देखता हूँ व्यूज तो होते हैं ज्यादा लेकिन फिर लाइक नहीं करते हैं, लाइक जरूर करिए और कमेंट करके हमें बताएं हमारा वीडियो कैसा लगा था, सब्सक्राइब भी करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए शुक्रिया, अगला वीडियो लेके मैं जरूर प्रस्तुत होऊंगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the video.